चलो मैं आपको आज एक 5 नबवी गजाओं का टॉनिक देता हूं। अब इस तरफ चल पड़ो, कहीं सी बातें होंगी। जान लगे गली और लटोर चली। कलवंजी, जैतून, खजू, दूध, शहद, कितने हो गए? ये कितनी चीजें हुई? दूध कुरान में, शहद कुरान में, जैतून कुरान में, ठीक, और क्या कुरान में है? खजूर कुरान में, और कलवंजी हदीस में। कलवंजी कुरान में नहीं है, हब्बतुस सौदा। ये चार चीजें कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं। एक वाहिद चीज है जो कलवंजी कुरान में नहीं है, हदीस में मौजूद है। ये आपको 5 नबवी गजाओं का आज एक मुरक्कब बनवाता हूं। अब चाहे तो इसका शेक बना ले, अगर इसके जायके को खूबसूरत बनाना है, वरना चुटकी भर कलवंजी, 3 या 5 दाने खजूर, 1 चम्मच छोटा जैतून का तेल, 2 चम्मच बड़े शहद और 1 कप या प्याला गिलास का, इसको कभी पी के देखें। और आप शेक बनाना चाहें तो खजूरें उसमें डालें, कलवंजी भी डालें, जैतून भी, दूध भी, शहद भी डाल के 1 जाम इसका पी के देखें। और ये सर्दी गर्मी की गिजा है, सर्दी गर्मी की। बस फर्क इतना है, सर्दियों में दूध गर्म हो और गर्मियों में दूध ताजा हो, ठंडा ना हो। इसको पी के देखें और सुबह का नाश्ता कभी ये कर ले, सुबह नाश्ता, और ये इसके बाद फिर कुछ ना खाएं। आप उस दिन अपनी सेहत देखें, तंदुरुस्ती देखें, या रात का खाना यही खाएं। तो आप खजूरें बढ़ा सकते हैं अगर आपकी गिजा ज्यादा है, आप दूध बढ़ा सकते हैं, आप शहद बढ़ा सकते हैं, आप जैतून बढ़ा सकते हैं, पर ये 5 नबवी गजाएं जमा कर लें और इनकी तासीर देखें। सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक इन 5 नबवी गजाओं की तासीर और ताकत। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वाक्या सुनाता हूं। और ये वो शख्स था जो दस्त बसत शेर से लड़ाई करता था, तीर दूर से नहीं फेंकता था, अजीब, शेर से गिरबान में हाथ डाल के लड़ाई करता था, खंजर से वहीं शेर को गिराता था और खुद भी जख्मी होता था। ईमान की ताकत भी थी और सच्चान की ताकत भी थी। उसकी यह गिजा बता रहा हूं। अब इनकी ताकत का अंदाजा देख लें कि सर से लेकर पांव तक इसके क्या फायदे होंगे, जिस्म के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, दिल दिमाग के लिए, तबीयत के लिए। आप हस्ब तबीयत मिकदार हर चीज की थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, वैसे भी थोड़ी थोड़ी पहले डालें, थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करें, उसकी फिर मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, थोड़ी थोड़ी आप करें, थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाल्लाह फायदा होता है। मानते थे इसको घोंट घोंट पीना, इसको घोंट घोंट पीना, छोटे छोटे घोंट भरना। आप भी मशरूब गजनवी क्या पिए? घोंट घोंट पिए।